बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? और आजकल मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, तो इसलिए हर वेजिटेबल भी फ्रेश मिल रही है। तो मैंने सोचा कि आज गाजरों वाली खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, और वो मीठे में बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए हम आज ये रेसिपी बनाते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है जी, तो खीर बनाने के लिए मैंने जो राइस लिए थे वो तकरीबन 1.5 कप लिए थे, और इनको नीम गर्म पानी में मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। फिर उसके बाद पानी इसका निकाला है, तो ये देखिए इसको हाथों की मदद से मैंने बिल्कुल बारीक सा कर लिया है, जो कि ये आपको नज़र आ रहे हैं। इनको बिल्कुल हाथों से आपने मसल के बारीक कर लेना है। उसके बाद मैंने शुगर ली है 1.5 कप, ये शुगर है मेरे पास, ये दूध से मैंने बलाई उतारी और 1 दिन पहले इसको फ्रीज में फ्रीज कर दिया था। तो ये भी 1 कप है, और ये गाजरी हैं, ये भी मैंने ले ली थी, तकरीबन 1/2 kg से कम है थोड़ी सी, और ये रेड मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए जो मेवे मैंने लिए हैं वो हैं किशमिश, पिस्ता, बादाम, थोड़े से काजू हैं, और सब्ज़ इलायची है। इनको मैं क्रश कर लूँगी सबको, बादाम, पिस्ता और काजू को क्रश करेंगे, और ये जो है सब्ज़ इलायची इसको तोड़ के थोड़ा सा तो इसके अंदर शामिल कर देंगे। जिस तरह मैं आज ये रेसिपी रेडी करूँगी आपको दिखा देती हूँ, और इसमें दूध कितना चाहिएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जी दूध मैंने 5 kg लिया है, इसको बॉयल कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुका है, और ये हम इसमें शामिल करेंगे। और बलाई भी मैंने इसीलिए डाली है ताकि ये इसे स्लो फ्लेम पे हमने खीर को बनाना होता है, और चम्मच भी रेगुलर हिलाते जाना है, रुकना नहीं है, ठहर ठहर के, ताकि ये नीचे लग ना जाए, इसकी स्मेल फिर आ जाती है, इसलिए हमने ये ख्याल करना है। और इसके लिए मैंने कढ़ाई में तकरीबन 2 कप पानी ले लिया है, जो कि गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने राइस, और उनको फिर हलाएंगे पकने तक, ये पानी उसके अंदर जज़ब होना चाहिए, जब जज़ब हो जाएगा उसके बाद फिर हम गाजरे इसमें ऐड कर देंगे। राइस मैंने ऐड कर दिए हैं पानी में, और अब इसको पकने देते हैं। जब ये पानी इसका इसके अंदर जज़ब हो जाएगा और ये चावल हमारे अच्छे से पक जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम मैं आपसे मिलती हूँ। व्यूअर्स ये देखिए राइस हमारे काफ़ी माशाल्लाह फूल चुके हैं, पानी बिल्कुल कम है, और ये देखें अब इसमें हम गाजरे शामिल कर देंगे। ये गाजरे हैं मेरे पास, इसको हम शामिल कर देंगे, ताकि ये जो थोड़ा सा पानी बीच में है उसके साथ ये भी थोड़ी सी पक जाए। तो जब ये पक जाएंगी उसके बाद हम इसमें दूध शामिल कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करें और पकने दें, क्योंकि इनका भी थोड़ा सा पानी निकलेगा, उसके बाद फिर हम दूध शामिल कर देंगे। गाजरें हमारी पक चुकी हैं, और गाजरों ने भी जो पानी छोड़ा था बिल्कुल ये देखे ड्राई हो चुका है। तकरीबन मैंने 5 मिनट तक इनको पकने दिया है, अब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। दूध शामिल कर दिया मैंने, अब हम इसको पकाएंगे। जब और ये 10 मिनट्स तक पक जाएगी, फिर उसके बाद हमने इसमें शुगर ऐड करनी है, अभी शुगर ऐड नहीं करनी। अब हम इसका वेट करते हैं पकने का, तो फिर हम शुगर की तरफ आएंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं हमारी खीर बनते हुए, माशाल्लाह से काफ़ी हद तक ये पक चुकी है। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी, और साथ में ही इसके सब्ज़ इलायची भी शामिल कर दूंगी।
इसको हलाएंगे। और इसी के साथ ही मैं जो आपको मैंने बलाई दिखाई थी वो भी शामिल कर दूंगी। अच्छे से इसे आप मिक्स करेंगे और पकने के लिए रख देंगे, ताकि ये पक पक के इसी तरह एक खोए की तरह बन जाएगी माशाल्लाह, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। शुगर मैं चेक करूंगी, अगर मुझे कम लगी तो मैं डाल दूंगी, लेकिन मुझे खीर में शुगर कम पसंद है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी घुल मिल गई है, और बिल्कुल इस फॉर्म में आपने अपना चूल्हा बंद कर देना है और इसको ज़्यादा हार्ड नहीं होने देना, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी होगा। तो मैंने इसको 1.5 आवर तक पकाया है, जो कि दरमियानी फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता पकती रही और मैं चम्मच लाती रही। अब मैं थोड़े से मेवे इसमें ऐड कर देती हूँ जो कि मैंने क्रश कर लिए थे, और थोड़ी सी किशमिश भी हम शामिल कर देते हैं और इसको हलाएंगे। हलाने के बाद मैं फिर फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो इसी तरह आपने ये रेसिपी रेडी करनी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी खाने में भी और देखने में। ये देखें बिल्कुल वो एक जान हो चुकी है। तो इसी तरह आपने बनानी है। अब हम डिश आउट करेंगे, फिर आपको दिखाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, हमारी गाजर की खीर रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही लजीज बनी है। आप भी खाएं और बताएं मुझे कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आप ज़रूर इस तरह की ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आप सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। जिधर जिधर भी सब मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उनकी हर ख्वाहिश पूरी करे और उनके खानों में बरकत डाले। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह हौसला अफजाई होती है। व्लॉग्स विद राशिदा ए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।